रामपुर नामक एक गांव में दो बूढ़ी अम्मा रहा करती थीं, चुन्नी और टुनटुन। दोनों की झोपड़ी एक दूसरे के सामने ही थी। एक तरफ चुन्नी अम्मा जितनी सुंदर और लंबी थी, दूसरी तरफ टुनटुन मौसी उतनी ही काली और लंबाई में छोटी थी। एक दिन टुनटुन मौसी अपनी झोपड़ी में बैठी खीर बना रही होती है। अरे वाह वाह, आज तो यह स्वादिष्ट खीर खाऊंगी। हाँ आय हाय, कितने दिन हो गए खीर ही नहीं खाई। मुई रोज वो बिल्ली न जाने कहाँ से आती है और मेरा खीर बनाने का सारा दूध पी जाती है, लेकिन आज तो मैं खीर खा कर ही रहूंगी। कि तभी वहाँ पर टुनटुन मौसी का पड़ोसी मटका, जिसकी उम्र लगभग 40 के ऊपर होती है, जो देखने में काफी मोटा और पेटू होता है, टुनटुन मौसी को आवाज देते हुए झोपड़ी में आता है। अरे ओ टुनटुन मौसी, कहाँ हो? अच्छा तो तुम यहाँ बैठी हो। अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज क्या बना रही हो मौसी, तनिक दिखाओ तो। अरे वाह वाह, ये क्या, तुम तो खीर बना रही हो। खीर की खुशबू तो वाकई मजेदार आ रही है। हाँ अरे वाह वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। अरे वाह वाह, अरे क्या तुम थोड़ी खीर मुझे भी दोगी मौसी? हैं? अरे ओ मटका, ये खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है। हाँ मैं नहीं देने वाली तुझे बिल्कुल भी अपनी खीर। चल जा यहाँ से, जब देखो मुँह उठा कर आ जाता है। चल जा यहाँ से। अरे अरे, ये खूसट बुढ़िया बिना लगता है ये मुझे ऐसे नहीं खाने देगी। इतनी स्वादिष्ट खीर, इसे तो मजा चखाना ही होगा। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है जाता हूँ मौसी। गुस्सा क्यों करती हो, नहीं चाहिए तुम्हारी खीर। जब देखो तब अपना खूसटपन दिखाती रहती हो। हाँ जाता हूँ। जिसके बाद मटका वहाँ से चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही एक भिखारी, जिसका नाम पीटर होता है, टुनटुन मौसी की झोपड़ी में आता है। अरे कोई है क्या, क्या कुछ खाने को मिलेगा? अरे कुछ दे दो खाने को, मुझे भोजन चाहिए। आई एम हंग्री अम्मा। तभी टुनटुन मौसी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल कर आती है। अरे तुम कौन हो, जाओ जाओ यहाँ से, मेरे यहाँ कुछ नहीं है, जाओ। तभी पीटर को टुनटुन मौसी की खीर की खुशबू आती है। Myself, पीटर माई, मुझे तुम्हारी झोपड़ी से बहुत ही टेस्टी टेस्टी खीर बनने की खुशबू आ रही है। अगर थोड़ी सी खीर मुझे मिल जाती तो अच्छा होता, मुझे भोजन की वेरी मच आवश्यकता है। क्या मुझे थोड़ी सी खीर मिलेगी? अरे ओ भिखारी, खीर तो मैंने अपने लिए बनाई है, मैं अपनी स्वादिष्ट खीर किसी को भी नहीं दूंगी। हाँ चल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा, बताई देती हूँ। ऐसी मरम्मत करूंगी तेरी कि फिर कभी इस गांव में भीख मांगता नजर नहीं आएगा। अभी मेरी बूढ़ी हड्डियों में बहुत ताकत है। अरे नो 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 माई, मुझे आपसे मार नहीं खानी है। हाँ मैं अभी जाता हूँ, लगता है ये माई तो बहुत ही ज्यादा बैड है। हाँ हाँ, ये मुझे खीर नहीं देगी, अब यहाँ से चलना ही ठीक होगा। और वो बहुत दुखी मन के साथ वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अरे वाह वाह, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, जरा देखूं तो सही। अरे वाह वाह, बड़ी ही मजेदार खुशबू है। अरे अरे, ये खुशबू तो इस खड़ूस टुनटुन की झोपड़ी से आ रही है। आखिर आज क्या बना रही है ये, चल चल के देखूं तो सही। अरे अरे, ये भूरी बिल्ली टुनटुन तो आज खीर बना रही है। अरे वाह भाई वाह, अगर सरासी खीर मुझे मिल जाती तो मेरी भी भूख शांत हो जाती। चलो आज तो इससे थोड़ी मांग ही लेती हूँ, इस टुनटुन की खीर। आहा। अरे ओ टुनटुन बहन, आज तो तुम्हारी बनाई खीर की बड़ी मजेदार महक दूर दूर तक आ रही है। अरे वाह वाह, लगता है आज तो खूब मेवे डालकर बनाई है खीर। अरे टुनटुन बहन, क्या आज तू मुझे थोड़ी सी खीर देगी? बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ देना, मुझे भी थोड़ी सी खीर देना। ऐसा सुनते ही टुनटुन अम्मा गुस्से में आ गई। क्या कहा तूने, तुझे खीर चाहिए? तूने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुझे अपनी बनाई खीर दूंगी? हैं? ये खीर मैंने अपने लिए बनाई है, समझी? इस सारी खीर को मैं ही खाऊंगी, किसी को नहीं दूंगी। चल जा यहाँ से,
आई पड़ी मेरी खीर खाने वाली, चल जा यहाँ से। अरे हाँ हाँ खड़ूस टुनटुन, जाती हूँ। आई पड़ी, चल हट। मैं तो कहती हूँ तू भी ये खीर ना खा पाए, हाँ तब आएगा मजा। जिसके बाद चुन्नी वहाँ से चली जाती है। वाह वाह खीर तो बनकर तैयार हो गई। हाँ अरे भाई इसकी खुशबू तो बड़ी मजेदार आ रही है। वाह वाह आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ, अगर गरम गरम खाऊंगी तो कहीं मुंह में छाले ना पड़ जाएं। वैसे भी अब तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब कहाँ मुझसे गरम खीर खाई जाएगी भला। इसे तो मैं बाद में आराम से ठंडा होने पर ही खाऊंगी, अपनी बनाई स्वादिष्ट खीर। तभी टुनटुन मौसी भी अपनी खीर की हांडी अपनी झोपड़ी में एक ऊंची दीवार पर टांग देती हैं और खर्राटे लेकर सो जाती हैं। उधर सुबह होती है, टुनटुन मौसी देखती हैं कि उसकी खीर की हांडी नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। अरे अरे कौन चोरी करके ले गया मेरी खीर की हांडी, हाय हाय मैं तो अभी खीर चख भी नहीं पाई थी, फिर कौन आया मेरी झोपड़ी में, कौन लेके गया मेरी खीर। ओह अच्छा लगता है मेरी खीर की हांडी जरूर उस चुन्नी नासपीटी ने चुराई होगी, मैंने उसे खीर नहीं दी थी तो मेरी खीर की हांडी ही चुरा ली। नहीं नहीं ये चुन्नी तूने ठीक नहीं किया, अब तुझे मजा चखाऊंगी। मैं गांव के मुखिया शरीफ चंद से तेरी शिकायत करूंगी, हाँ अब इसके बाद तुझे कड़ी सजा वही देंगे। अगली सुबह टुनटुन मौसी मुखिया शरीफ चंद के पास गई, जो देखने में काफी हट्टा कट्टा और पान खाने का बेहद शौकीन होता है। गांव के लोगों की जो भी समस्या होती थी उसका निवारण मुखिया शरीफ चंद के पास ही होता था। टुनटुन अम्मा मुखिया शरीफ चंद से रोते हुए बोली, अरे अरे मुखिया जी मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में चोरी हो गई मुखिया जी, मेरी मदद कीजिए। और वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे अरे क्या हुआ टुनटुन मौसी, क्यों इतनी दुखी हो, है आखिर क्या चोरी हो गया, क्या कोई कीमती सामान था तुम्हारा, बताओ बताओ मैं उस चोर को पकड़कर तगड़ी सजा दूंगा, हाँ चूना लगा के। क्या बताऊं मुखिया जी, मैंने कल अपने बड़े चाव से खीर बनाई थी, सोचा था आराम से ठंडी होने पर मजे लेकर खाऊंगी, लेकिन मेरे खाने से पहले ही उस खीर को। अरे अरे मौसी चुप हो जाओ, आखिर क्या हुआ तुम्हारी खीर को, अच्छा अच्छा तनिक रुक जाओ। अरे हो चंदू मेरे पान का पिटारा अब तक नहीं लेकर आया, अरे जल्दी आ, कितनी देर पहले बोला था तुझे, कहाँ रह गया चंदू। अरे अरे जी मालिक आपने मुझे बुलाया, मालिक क्या हुआ आपको कुछ चाहिए मालिक। अरे 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 कैसा भुलक्कड़ है रे तू चंदू, हैं कितने समय पहले बोला था कि मेरा पान का पिटारा लेकर आ, लेकिन तू है कि फिर से भूल गया, आखिर क्या करूं मैं तेरी इस भूलने की बीमारी का चंदू। अरे अरे मालिक माफ कर दीजिए, वो क्या है ना मालिक आप तो जानते हैं ना थोड़ा भूल जाने की बीमारी है मुझे, रुकिए मैं अभी लेकर आता हूँ आपके लिए पान का पिटारा, हाँ अभी आया। लेकिन मालिक ये बुढ़िया कौन है और यहाँ क्या कर रही है। क्या बोला रे तू, इस टुनटुन मौसी को पूरा गांव जानता है, लगता है तू फिर से भूल गया, अरे कब जाएगी रे तेरी भूलने वाली बीमारी। अरे हाँ हाँ याद आया, अच्छा अच्छा तुम तो टुनटुन मौसी हो, हाँ हाँ आ गया याद आ गया, अब मैं इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ। अच्छा अच्छा मैं अभी मुखिया जी के लिए उनके पान का पिटारा लेकर आता हूँ, है। जिसके बाद टुनटुन मौसी मुखिया को सारी बात बताती हैं। क्या कहा तुम्हारी बनाई खीर चोरी हो गई, ये तुम क्या बोल रही हो टुनटुन मौसी, आखिर तुम्हारी बनाई खीर कौन चुरा सकता है। मुखिया जी मुझे तो लगता है मेरी खीर उस चुन्नी ने चुराई है, हाँ आई थी मेरी झोपड़ी में खीर मांगने, बड़ी बड़ी लार टपक रही थी उसकी, जरूर उसने मेरी खीर की हांडी चुराई होगी। हाँ अच्छा तो ठीक है टुनटुन मौसी, चुन्नी अम्मा से जरूर पूछा जाएगा कि उसने तुम्हारी खीर की हांडी चुराई है या नहीं, अगर खीर चुन्नी अम्मा ने चुराई होगी तो उन्हें अवश्य ही गाँव से बाहर निकाले की सजा दी जाएगी। इसके बाद टुनटुन मौसी वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती हैं। अरे अरे ये चंदू अभी तक मेरा पान का पिटारा नहीं लाया, लगता है फिर से भूल गया होगा, अरे क्या करूं मैं इस भुलक्कड़ चंदू का।
अगली सुबह मुखिया की पंचायत लगती है जिसमें चुन्नी और टुनटुन दोनों मौजूद होती हैं। क्या यह सच है चुन्नी अम्मा कि तुमने ही टुनटुन मौसी की खीर की हांडी चोरी की है? बताओ हमें चूना लगा के। चुन्नी अम्मा जोर जोर से रोने लगती हैं। नहीं नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। मैंने इस टुनटुन की खीर की हांडी नहीं चुराई। यह टुनटुन न जाने ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने इस टुनटुन की खीर मांगी थी क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन मैंने इसकी खीर की हांडी नहीं चुराई। ये झूठ है। और चुन्नी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा अच्छा तो ठीक है, अब हम इसका पता लगाएंगे कि तुमने टुनटुन अम्मा की वो खीर की हांडी चुराई है या नहीं। उसके बाद ही चुन्नी अम्मा को सजा सुनाई जाएगी चूना लगा के। ठीक है मुखिया जी, अब सबको आपके ही फैसले का इंतजार होगा। हाँ। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह मुखिया का नौकर चंदू थोड़ा दूध और चावल लेकर टुनटुन मौसी की झोपड़ी में जाता है। ये लीजिए टुनटुन मौसी, आज मालिक ने आपके लिए चावल और दूध भेजा है। तुम इनसे फिर से खीर बनाओ और मजे से खाना है। वो क्या है ना, दिल बहुत बड़ा है, किसी का दुख नहीं देख सकते हैं ये। हाँ लीजिए लीजिए टुनटुन मौसी। अरे वाह वाह, ये तो कितना अच्छा किया मुखिया जी ने। वाकई मैं तो खीर खाने के लिए तरस ही गई थी, लेकिन आज बड़े अच्छे से खीर बनाऊंगी। हाँ, और मजे से खाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है टुनटुन मौसी, अब मैं चलता हूँ। हाँ। और टुनटुन अम्मा खीर बनाने लगती हैं। अरे वाह वाह, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह वाह, आज तो जी भर कर खीर खाऊंगी। तभी टुनटुन मौसी की झोपड़ी की खिड़की से कोई आदमी जो काला कंबल ओढ़े होता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता है, टुनटुन मौसी को खीर बनाते हुए देख रहा होता है। अचानक से टुनटुन मौसी को किसी बिल्ली के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, ये मुई बिल्ली क्यों चिल्ला रही है, चलकर देखूं तो सही। जैसे ही टुनटुन मौसी अपनी झोपड़ी के बाहर जाती है, तभी वो काला कंबल ओढ़े हुआ आदमी टुनटुन मौसी की झोपड़ी में आता है और खीर की हांडी उठाकर जाने लगता है। जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर जाने लगता है, वहाँ पर मुखिया और उसका नौकर चंदू आ जाते हैं। तभी चंदू उस खीर चोर को पकड़ देता है। अरे अरे मालिक, देखो देखो, मैंने इस खीर चोर को पकड़ लिया। मालिक देखिए देखिए मालिक, खीर चोर पकड़ा गया। मालिक अब तू हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। हाँ, तुझे तो अब खीर चोरी की सजा मिलकर ही रहेगी। हाँ। तभी वहाँ चुन्नी अम्मा, टुनटुन मौसी और गांव के सभी लोग आ जाते हैं। चंदू उस चोर के मुंह पर से कंबल हटा देता है। कंबल हटते ही सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। ये चोर कोई और नहीं बल्कि वही भिखारी था जो टुनटुन मौसी के द्वार पर भोजन मांगने आया था। अरे अरे, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, ये सच है कि मैं ही खीर चोर हूँ। मैंने ही इस झोपड़ी से खीर की हांडी चुराई थी, और आज भी जब इस बैड माई को खीर बनाते देखा तो यहाँ फिर से खीर की हांडी चुराने आ गया। लेकिन ये सब मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बूढ़ी माँ के लिए किया। कई दिनों से भीख न मिलने के कारण मेरी माँ को कुछ भी खाने को नहीं मिल पा रहा था। मेरी माँ की हालत खराब होती जा रही थी। अगर मैं खीर की हांडी ना चुराता तो मेरी माँ भूखी मर जाती। अरे अरे, क्यों रे भिखारी, क्या तुझे मेरी ही खीर की हांडी मिली थी चोरी करने के लिए? बता तो जरा, अरे कितने मन से बनाई थी खीर और एक निवाला तक नहीं खाया, और आज फिर से आ गया। आज तो तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हाँ, आज तो अच्छा मजा चखाऊंगी तुझे। नो 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 मदर, आई एम रियली सॉरी, माफ कर दो। मैं तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने आया और मुझे मजेदार खीर बनने की खुशबू आई। मैंने तुमसे थोड़ी सी खीर मांगी तो तुमने मुझे बिना खीर दिए अपने द्वार से भगा दिया। लेकिन मुझे अपनी ओल्ड मदर के लिए भोजन की बहुत आवश्यकता थी, जिसके बाद मैं वापस आया और देखा तो तुम बड़े आराम से सो रही हो। तभी मैंने तुम्हारी झोपड़ी से वो खीर की हांडी अपनी बूढ़ी माँ के लिए चुरा ली। I am really sorry, my, मुझे माफ कर दो। देखा देखा मुखिया जी, मैंने आपसे कहा था, मैंने बोला था, मैंने इस टुनटुन की खीर नहीं चुराई। देखो देखो, पकड़ा गया ना असली चोर। अब पता चल गया ना किसने खीर चुराई।
यही भिखारी ही असली चोर है। हाँ 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 चुन्नी अम्मा, अब पता चल गया है तुम निर्दोष हो, ये भिखारी ही खीर चोर है। लेकिन इसकी बातों से लग रहा है कि ये सच बोल रहा है, शायद इसने खीर की चोरी अपनी बूढ़ी माँ के लिए ही की हो। इसका पता तो लगाना ही होगा। क्यों ना मुखिया जी, हम इस भिखारी के साथ इसकी बूढ़ी माँ के पास चले, तभी हमें पता चल पाएगा कि ये भिखारी सच बोल रहा है कि नहीं। हाँ हाँ यही सही रहेगा। अरे ओ भिखारी, चल ले चल हमें अपनी बूढ़ी माँ के पास, फिर सब पता चल जाएगा चूना लगा के। यस यस, तो फिर चलिए मेरे साथ, आप सभी लोगों को यकीन हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। चलिए चलिए। अरे आ गया बेटा तू, कब से तेरी राह देख रही थी, बहुत जोरों की भूख लगी है बेटा, अब तेरी इस बूढ़ी माँ से ज्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता। क्या आज भी वैसी ही मजेदार और स्वादिष्ट खीर लेकर आया है? उस खीर को खाकर तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिली थी। बोल, लाया है क्या वही स्वादिष्ट खीर बेटा? लेकिन तेरे साथ ये लोग कौन हैं बेटा? भिखारी की माँ की ऐसी बातें सुनकर सभी लोगों को यकीन हो गया कि भिखारी सच बोल रहा था। अरे अरे पीटर, तुम तो वाकई सच बोल रहे थे भैया, तुमने टुनटुन मौसी की खीर अपनी बूढ़ी माँ के लिए ही चुराई थी। तुमने जो भी किया वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए किया, वाकई तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो, इसलिए अब तुम्हें टुनटुन मौसी की खीर की हांडी चुराने की सजा नहीं दी जाएगी। अच्छा अच्छा, तो अब मुझे सब समझ आ गया बेटा, तूने मेरे लिए ही उस मजेदार और स्वादिष्ट खीर की हांडी चुराई थी। तू इतना प्रेम करता है, मेरी भूख तुझसे देखी नहीं गई, इसलिए ही तू वो खीर की हांडी चुरा कर मेरे लिए लाया था। वाह मेरे लाल, तेरे जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई। तभी चंदू जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे चंदू, क्या हुआ तुझे, क्यों रो रहा है? मालिक, इस भिखारी का अपनी माँ के लिए इतना प्यार देखकर मुझे भी अपनी स्वर्गवासी माँ की याद आ गई। माँ कितनी प्यारी होती है ना मालिक। हाँ हाँ सच में, अब तो मुझे भी अपनी माँ की याद आ गई। हाँ मैंने भी इस भिखारी को माफ कर दिया, इसने अपनी माँ के लिए मेरी हांडी चुराई थी। और ऐसा कहकर टुनटुन मौसी रोने लगती है। और चुन्नी बहन, तू भी मुझे माफ कर दे, मैंने सोचा तूने ही मेरी खीर की हांडी चुराई है और तुम पर मैंने झूठा इल्जाम लगा दिया, माफ कर दो चुन्नी बहन। अरे अरे कोई नहीं टुनटुन बहन, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। हाँ लेकिन अब बदले में तुम्हें अपने हाथ की स्वादिष्ट खीर खिलानी होगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आज तो सभी को अपने हाथ की खीर खिलाऊंगी। जिसके बाद टुनटुन मौसी अपनी बनाई खीर सबको परोसती है, जिसके बाद सभी बड़े चाव से खीर खाते हैं। अरे वाह 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 टुनटुन मौसी, मजा ही आ गया, वाह वाह बड़ी ही मजेदार खीर है। हाँ भाई वाह, मजा ही आ गया। हाँ अरे हाँ हाँ एकदम सही बोल रहे हो मटका, वाकई खीर तो बड़ी मजेदार है। हाँ लेकिन ये खीर आई कहाँ से? अरे मालिक, क्या ये खीर आपने बनाई है? अरे वाह वाह वाह, आप इतनी स्वादिष्ट खीर भी बना सकते हैं, वाह वाह वाह, मैं तो कहता हूँ आप रोज ही ये मजेदार और स्वादिष्ट खीर बनाया कीजिए। हाँ हाँ अरे वाह वाह वाह, मजा ही आ गया ये खीर खा के। हाँ हाँ अरे अरे धत तेरे की चंदू, तू तो फिर से भूल गया, ये इसकी भूलने वाली बीमारी भी ना जाने कब ठीक होगी, चूना लगा के। मुखिया की ये बात सुनकर बाकी सभी लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं।